हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आचल अग्रवाल आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म CGPSC ई ज्ञान में, जिसमें मेरी तरफ से आप लोगों को मिल रहा है करंट अफेयर का लेक्चर सीरीज़। और मेरी ये कोशिश रहेगी कि CGPSC प्रीलिम्स से पहले हम पूरा का पूरा करंट अफेयर्स इंडिया और छत्तीसगढ़ का टॉपिक वाइज कम्प्लीट कर लें। अभी से पहले जो हमारे दो लेक्चर्स थे उसमें हम लोगों ने देखा था कि भारत सरकार की योजनाएं, और आज हमारा तीसरा लेक्चर है जिसमें आप लोगों को मैं फिर से 10 भारत सरकार की योजनाएं बताने वाली हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। और क्लास को शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूंगी कि आप हमारे चैनल CGPSC ई ज्ञान के जितने भी लेक्चर सीरीज़ हैं CGPSC प्रीलिम्स और मेंस के लिए, उसे आप www.visualcard.com पे जाकर वहाँ पे उसे चेक करके ख़रीद सकते हैं। तो गाइज़ प्लीज़ गो ऑन द साइट एंड चेक आर कोर्सेस। चलिए, अब हमारा अभी तक का 20 भारत सरकार की योजनाएं कंप्लीट हो गई हैं। अब नेक्स्ट है हमारा स्किल इंडिया मिशन। स्किल इंडिया मिशन जो है उसका टैगलाइन है कौशल भारत कुशल भारत। इसकी शुरुआत हुई थी 15 जुलाई 2015 को, और इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है, सचिन तेंदुलकर। और इसका उद्देश्य क्या है, 2022 तक देश के जो युवा हैं उनका कौशल विकास करना या फिर स्किल डेवलपमेंट करना। देखिए, हमारी कंट्री का डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है वो बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब है कि जो कार्यबल की क्षमता हमारे देश में बहुत ज़्यादा है, लेकिन क्योंकि आज जिस काम के लिए जिस तरीके का कौशल या स्किल चाहिए वो हमारे युवाओं के पास उपलब्ध नहीं है, जिस वजह से सरकार की बहुत सारी योजनाएं आई हैं जैसे स्किल इंडिया मिशन, ग्रामीण कौशल विकास योजना आदि, जिनका ये काम है कि वो आज के रोज़गार के हिसाब से लोगों के लिए जो है कौशल उनको प्रदान करें। ठीक है, इसके बाद आता है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। इसकी शुरुआत हुई थी 16 जुलाई 2015 को, और इसका यही सेम उद्देश्य है कि युवाओं को प्रशिक्षित करके उनको नौकरी मुहैया कराना है। ठीक है, अब आपका तीसरा आता है दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। देखिए, बहुत सारी योजनाएं 2014-15 में ही शुरू हुई हैं। इसकी शुरुआत हुई है 25 जुलाई 2015 को, और इसका क्या उद्देश्य है कि सभी गाँव का विद्युतीकरण करना है और वित्तीय स्थिति में सुधार करना है किनका, वितरण कंपनियों का, और उचित मॉनिटरिंग करना है। इसका मतलब क्या है, देखिए, जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का या फिर उसको सबको वितरण करने के लिए अलग कंपनियां होती हैं, जिसको आप बोलते हो वितरण कंपनी, बिजली वितरण कंपनी। तो क्या है, अभी हमारे देश में ये जो वितरण कंपनियाँ हैं ये बहुत ज़्यादा लॉस में चल रही हैं, इसको डिस्कॉम्स कहते हैं। तो उसकी हालत में सुधार लाने के लिए गवर्नमेंट ने एक योजना लाई है, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। और इसका एक और लक्ष्य ये भी है कि गांव में इलेक्ट्रिसिटी पहुंचानी है, और जो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं या वितरण कंपनियां हैं उनका उचित मॉनिटरिंग करना है उनके काम का। ठीक है, अब आता है एक इम्पॉर्टेंट है सागरमाला प्रोजेक्ट। इसकी शुरुआत हुई थी 31 जुलाई 2015 को। तो देखिए, हमारी जो कंट्री है, हमको पता है कि जो हमारी कंट्री का ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे का जो पार्ट है, ईस्टर्न साइड और वेस्टर्न साइड दोनों साइड जो है कोस्टल एरियाज हैं, है ना। इधर से अगर आप लोग जाओगे तो केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा हो गया, गोवा हो गया, तो आपका वेस्ट बंगाल हो गया, फिर महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, ये जितने भी स्टेट्स हैं इनका कोस्टल एरिया है। तो जिस वजह से हमारी कंट्री में जो ये कोस्टल जोन्स हैं या फिर ये जो सी रूट है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ ट्रेड एंड कम्युनिकेशन आल्सो। तो इस वजह से गवर्नमेंट ने इसके डेवलपमेंट के लिए जो योजना बनाई है वो है सागरमाला प्रोजेक्ट। इसके अंदर क्या होगा, जो 12 बंदरगाह हैं, मतलब ये सारे कोस्टल स्टेट में जो 12 इम्पॉर्टेंट पोर्ट्स हैं उसको इंटरनेशनल लेवल का हमको डेवलप करना है। मतलब वहाँ पे ऐसी सुविधाएं हो जिसकी वजह से इंटरनेशनल ट्रेड में आसानी हो, और बाकी जितने भी हमारे देश के ट्रेड का काम होता है उसमें बहुत ही ज़्यादा हमको आसानी हो और बहुत ही ज़्यादा हमको फ़ायदा हो, उसके लिए गवर्नमेंट ने ये योजना लाई है। और इसका 7,000 करोड़ का बजट है। अब देखिए, इसमें वो 12 जो बंदरगाह हैं वो कौन कौन से हैं, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने ईस्टर्न साइड से। तो देखिए, सबसे पहले आता है वेस्ट बंगाल में हल्दिया और पारादीप उड़ीसा में, उसके बाद विशाखापट्टनम, उसके बाद चेन्नई, एन्नौर, ट्यूटिकोरिन। इधर आपका आता है कोचिन, मैंगलोर, मार्मगोवा, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, मुंबई और पोरबंदर पोर्ट और कांडला पोर्ट। तो ये सारे पोर्ट्स के नाम आप लोगों को याद होने चाहिए। ठीक है, सागरमाला प्रोजेक्ट के अंदर किन किन बंदरगाहों का जो है विश्व स्तरीय लेवल पे उसका सुधार होगा ये आप लोगों को पता होना चाहिए।
अब आता है उदय योजना, इसका पूर्ण रूप क्या है? उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना। 5 नवंबर 2015 को इसकी शुरुआत हुई थी। और जैसे कि इससे पहले हमने कौन सा देखा, आप लोगों को याद होना चाहिए, इससे पहले हम लोगों ने जो देखा कि डिस्कॉम जो वितरण कंपनियां हैं उनके वित्तीय स्थिति में सुधार लाने, तो उसी से मिलता जुलता भी यहाँ पे योजना है, उदय योजना, उज्ज्वल डिस्कॉम अश्योरेंस योजना, जिसमें कि बिजली वितरण कंपनियों का वित्तीय सुधार करना है और वो जो घाटों में चल रहे हैं जो मैंने आप लोगों को पहले बताया उससे उसको उबारना है, ठीक है। और इस योजना से जुड़ने वाला सबसे पहला राज्य कौन सा है? झारखंड। अब आता है आपका स्टार्टअप इंडिया। स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत हुई थी 16 जनवरी 2016 को। स्टार्टअप इंडिया का क्या उद्देश्य था कि नए जो कारोबारी हैं उनको बढ़ावा देना है और कारोबार को शुरू करने के लिए अनुकूल वातावरण का सृजन करना। देखिए, स्टार्टअप का मतलब होता है किसी भी चीज़ का नया स्टार्ट करना। अभी तो स्टार्टअप बहुत ज़्यादा मतलब लोगों के बीच में प्रचलित है, तो जैसे कोई भी व्यक्ति अपना नया खुद का कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो उसको बढ़ावा देना है और उनके लिए जो पूरा प्रोसेस होता है अपना एक काम शुरू करने का उसको बहुत ही ज़्यादा आसान बनाने की ज़रूरत है। तो इसके लिए स्टार्टअप इंडिया का शुरुआत है और इसके अंदर गवर्नमेंट ने इसके अंतर्गत बहुत सारी ऐसी सुविधाएं दी हैं, जैसे कि आपका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस इजी हो गया है, बैंकिंग प्रोसेस हो गया, ये सारी चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा ईज लाने की गवर्नमेंट ने कोशिश की है थ्रू स्टार्टअप इंडिया। अब आता है श्यामा प्रसाद मुखर्जी रर्बन मिशन। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मिशन है। ये 12 फरवरी 2016 को शुरू हुआ था और 3 वर्ष में पूरे देश में स्थानीय आर्थिक विकास प्रोत्साहन हेतु 300 ग्रामीण क्लस्टरों का निर्माण करना, मतलब ग्रामीण क्लस्टर बनेंगे, 300 गांवों का एक एक ग्रुप बनेगा और उन ग्रुप का, जैसे 300 गांव का एक ग्रुप बन गया तो उस जगह का ही रिसोर्सेस को यूज़ करके जो उनके पास है और बाकी उनको सुविधाएं देकर उस गांव का मतलब उस पूरे एरिया का आर्थिक विकास करना है, ठीक है। तो देखिए, जैसे मैंने बोला 300 गांवों का एक ग्रुप बनेगा तो उसमें क्या क्या वो लोग किस तरीके से क्या क्या कंपोनेंट को यूज़ करके वहां के लोगों का आर्थिक विकास करेंगे, जैसे एग्रो फार्मिंग करेंगे, डेयरी फार्मिंग करेंगे, मोबाइल हेल्थ यूनिट्स बनाएंगे, डिजिटल लिटरेसी, लोगों को इंटरनेट के बारे में सिखाएंगे, ई ग्राम फैसिलिटी मतलब गाँव को इंटरनेट से जोड़ेंगे, एजुकेशन फैसिलिटी को बढ़ाएंगे, जो विलेजेस हैं उनके बीच में रोड को अच्छा बनाएंगे, ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए जो आपका वर्मी कंपोस्टिंग होता है उसको बढ़ावा देंगे। तो ये सारी चीज़ें आती हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी रर्बन मिशन के अंदर, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका सेतु भारतम योजना। 4 मार्च 2016 को इसकी शुरुआत हुई थी और इसका लक्ष्य है कि 2019 तक सभी राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग से मुक्त करना है, मतलब जितने भी नेशनल हाईवेज हैं उसको रेलवे क्रॉसिंग से मुक्त कराना है। और इसके अंतर्गत टोटल 1500 ब्रिज बनेंगे जिसके लिए 50,000 करोड़ रुपए का बजट रखा हुआ है। अब आता है आपका स्टार्टअप इंडिया हमने कर लिया, अब आता है स्टैंडअप इंडिया। 5 अप्रैल 2016 को इसकी शुरुआत हुई थी। जो अनुसूचित जाति जनजाति हैं और जो महिला उद्यमी हैं उनके साथ मतलब उनको जो है साख उपलब्ध कराना जो है स्टैंडअप इंडिया का काम है। इस योजना के अंतर्गत नई कंपनियों को स्थापित करने हेतु 10 लाख से लेकर 1 करोड़ तक का ऋण दिया जाता है महिलाओं को, अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है कि स्टैंडअप इंडिया सारे लोगों के लिए नहीं है, ये अनुसूचित जाति, जनजाति और महिलाओं के लिए है। महिलाएँ किसी भी कास्ट वगैरह की हो सकती हैं, ठीक है। अब आता है ग्राम उदय से भारत उदय। इसकी शुरुआत हुई थी महू में। महू एक जगह है जहाँ पे बाबा भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती पर 14 तारीख से लेकर 14 अप्रैल तक जो है ये योजना चलाई गई थी। इस योजना के अंतर्गत देश के सही विकास के लिए गाँव के विकास पर बल दिया गया था। बस इसके बारे में आपको इतना ही जानना है कि ये कहाँ पर हुआ था, महू में हुआ था बाबा भीमराव अंबेडकर जी के 125वें जन्मदिन पर, और गाँव का विकास ज़रूरी है देश के विकास के लिए, ये बात पर यहाँ पर बल दिया गया था, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर मेरा ये 10 योजना मैंने आप लोगों को बताई है जो कि इम्पॉर्टेंट है। इसके आगे एक और लेक्चर आएगा जिसमें हम भारत योजना, भारत सरकार की सारी योजनाओं को अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद हम बढ़ेंगे छत्तीसगढ़ सरकार की योजनाओं की तरफ। तो दोस्तों आप लोग मेरे लेक्चर्स को ध्यान से सुनिए और मैं आपसे वादा करती हूँ कि अगर आप इसको कंटिन्यूसली सुनेंगे तो हमारी करेंट अफेयर्स की तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी। और अब मैं मिलूँगी आपसे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, और साथ में एक और बात,
www.visualcard.com पे आप जाकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारे CGPSC ई ज्ञान की तरफ से बहुत ही ज़्यादा काबिल एडुकेटर्स जिन्होंने CGPSC मेंस के एग्ज़ाम को भी क्लियर किया है उनके थ्रू CGPSC प्रीलिम्स और मेंस के बहुत अच्छे कोर्सेज हैं जिसे आप जाकर वहाँ पे ख़रीद सकते हैं। तो आप प्लीज़ www.visualcard.com पे जाएं और हमारे कोर्सेज को चेक करें। तो अब मैं मिलूँगी आपसे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।